पहुंची है जोरदार तालियों के साथ सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष दोतासरा जी, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी, उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संघर्ष के बलबूते पराधीनता एक और अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों बाद वह महान ज्योति कुछ मद्दिम पर गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी हो जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज
हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुटा पाने मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मूल कम होता जा रहा है। रसोई की महंगाई बार बार मेरी बहनों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे बच्चियां बेरोजगार हैं। गरीब जितना जोर लगा ले उसके पास शक्ति सफलता और रोशनी पहुंच नहीं पा रही। साथियों, आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए